दो स्कॉलरशिप है जिनके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे, और कौन से स्टूडेंट्स उसमें मतलब एलिजिबल हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से नॉन एलिजिबल हैं, अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म कहाँ से भरना है, तो ये सब इस सारे डिटेल्स के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। अब पहले अपने स्कॉलरशिप के बारे में बात करें तो वो है MU OBA रियाद स्कॉलरशिप। OBA का मतलब है ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन, और रियाद सऊदी अरबिया का कैपिटल है। तो वहाँ पर जो MU के जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, वहाँ के जो अलुमनाई है, उनके थ्रू बनाया हुआ ये स्कॉलरशिप है। वन टाइम स्कॉलरशिप है, यानी कि मतलब एक ही बार आपको मिलेगा, आपको अप्लाई करने के बाद दूसरे मतलब अगले साल के लिए कंटिन्यू नहीं होगा, वन टाइम एप्लीकेशन है ये, ठीक है। किनको मिलेगा अगर इसके बारे में हम बात करें तो हर डिपार्टमेंट के एक UG फाइनल ईयर स्टूडेंट को और PG फाइनल ईयर स्टूडेंट को। अगर मान लो UG में नहीं है, डिप्लोमा में है, तो उसमें फाइनल ईयर स्टूडेंट को ये हर डिपार्टमेंट के स्कॉलरशिप ये मिलेगा। और ये वाली जो स्कॉलरशिप है ये आपको एनुअल फैमिली इनकम के बेसिस पे मिलेगा, ठीक है। और जो कि फैमिली इनकम जो कि है वो 2.5 लाख से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, उससे कम की है तभी ये आप एलिजिबल हैं इस मतलब स्कॉलरशिप के लिए। और मान लो दो कैंडिडेट्स हैं, अगर उनकी फैमिली इनकम सेम है तो उन दोनों में से जो एल्डर होगा ना, मतलब जो बड़ा है एज में, जिसके ज़्यादा है, उसको ये स्कॉलरशिप प्रेफर की जाएगी, उसको मिलेगा। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने हैं अगर इसके ऊपर बात करें हम, तो आपको अपनी ID कार्ड लगानी है, एडमिशन कार्ड जो है, और उसके साथ आप अपना इनकम सर्टिफिकेट लगाओगे इसमें, और फिर अपना बैंक का पासबुक वाला जो फ्रंट पेज जो होता है वो लगाओगे, और उसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ फिर उसको फिल करके और अपने डिपार्टमेंट में जमा कर दोगे, वहाँ ऑफिस में जहाँ पर वो चेयरपर्सन उसको मतलब स्टैंप लगाएगा अपना, और फिर ये फॉर्म जाके सबमिट होगा आपका DSW में, ठीक है। DSW में आपका सबमिट हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की वो 5 अक्टूबर है, तो 5 अक्टूबर तक आप ये फॉर्म सबमिट कर सकते हो। तो करीब एक हफ्ता है, आज 29 सितंबर है, एक हफ्ता है। आप सबसे पहले आपको ये फॉर्म जाके चेयरपर्सन में जमा करना है, अपने डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन ऑफिस में, वो वहाँ से साइन होगा, फिर उसके बाद अपना DSW में जाके सबमिट कर देना, ठीक है। दो प्रोसीजर है, याद रखना इसको, ठीक है। और उसके बाद ये फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपने वीडियो के दूसरे हिस्से पे, जो हमारा दूसरा स्कॉलरशिप है उसके बारे में बात करते हैं। एक चीज़ मैं और बता दूँ, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल है, उसमें ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये फॉर्म पड़ा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। अब दूसरे स्कॉलरशिप के ऊपर बात करें तो वो है रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है ये, और मतलब फर्स्ट ईयर के लिए ही है, जो फर्स्ट ईयर में जो अभी 2023 में जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है उनके लिए है ये, और पूरे ग्रेजुएशन पीरियड के लिए ये स्कॉलरशिप है। करीब 2 लाख रुपए का, तो बहुत बड़ा स्कॉलरशिप है भाई, इसको मिस मत करना। जो भी फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत बेहतरीन मौका है, ठीक है। तो इसमें अप्लाई करो। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में मैं बता दूँ, 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसमें से सबसे पहला ये है कि इंडियन स्टूडेंट्स होना चाहिए, जो कि एक फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम डिग्री जो होती है उसमें इनरोल्ड होना चाहिए, फुल टाइम होना चाहिए, वो पार्ट टाइम और ब्रिज कोर्सेज वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहला क्राइटेरिया ये है, और फर्स्ट ईयर में होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि 12 जो होगी वो आपने पास की होगी, मिनिमम मार्क्स 60% है, 60% या उससे अबव होना चाहिए, 60% से कम है तो आप एलिजिबल नहीं है इसमें अप्लाई करने के लिए, ठीक है। दो क्राइटेरिया ये हो गया। और तीसरा क्राइटेरिया ये है कि एनुअल हाउस होल्ड इनकम जो है वो आपकी 15 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 15 लाख से कम ही हो तो सही है। और प्रेफरेंस उनको मिलेगा जिनका एनुअल इनकम ये 2.5 लाख से कम है, मतलब 2.5 लाख या उससे उतने करीब है तो फिर उनको प्रेफरेंस मिलेगा, और मतलब एलिजिबल होने के लिए 15 लाख से कम होना चाहिए तो फिर आप एलिजिबल हैं। और चौथा क्राइटेरिया ये है कि आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए, ठीक है। वो एप्टीट्यूड टेस्ट मैंडेटरी है, और वो फॉर्म के साथ ही आप ये एप्टीट्यूड टेस्ट ऑनलाइन देंगे। दो तरीके का टेस्ट होगा, एक तो पहले जब आप फॉर्म भरेंगे तो एक बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और दूसरा टेस्ट तब होगा जब आपको मतलब मेल करके दिया जाएगा कि हाँ भाई आपका एक ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो उस ऑनलाइन एग्ज़ाम में फिर उसके बाद आप क्वालिफाई करेंगे, तब फिर ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। बहुत बड़ा अमाउंट है यार, 2 लाख रुपये बहुत बड़े अमाउंट होता है, पूरा ग्रेजुएशन मतलब फाइनेंस हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना मत, मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ यार, मेरे को अफसोस हुआ है कि हमारे टाइम पर क्यों नहीं था ये, मतलब पूरा ग्रेजुएशन आपका फाइनेंस हो रहा है, छोटी बात तो है नहीं, ठीक है। तो अप्लाई करना है इसमें, छोड़ना मत इसको। इसमें कुछ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। पहले तो वो कि जो 2 साल का कोई डिग्री कोर्स कर रहे हैं, मतलब 2 साल का कोई इनका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, तो 2 साल वाला नहीं होना चाहिए, 3 साल या 4 साल FY UP वाला होना चाहिए, ठीक है, या फिर 3 साल हो या फिर 4 साल वाला हो, तो वो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। दूसरे वो जो डिस्टेंस से कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन टेस्ट मतलब ऑनलाइन कोर्स कोई कर रहे हैं,
या तो ऑनलाइन कर रहे हैं डिस्टेंस से जो कि होता है बस मतलब पेपर जाके दे रहे हैं, वो नहीं, रेगुलर कोर्स होना चाहिए, सिर्फ वही वाले स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं। और तीसरे वो स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है जिन्होंने 10th के बाद डिप्लोमा किया है, तो डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं है। बैचलर्स डिग्री आपकी मतलब होनी चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 15 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर डेडलाइन है इसका, तो उससे पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है। और इसके लिए मतलब चेयरपर्सन या फिर वहाँ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा आपका, ऑनलाइन ही आपको टेस्ट देना है और ऑनलाइन ही मतलब फिर वो सारा काम ऑनलाइन ही होगा, कुछ भी ऑफलाइन नहीं है, ठीक है। तो जिस फॉर्म जिस लिंक पे जाके ये फॉर्म भरना है वो लिंक मेरे को दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, और इससे पहले वाला जो था वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन हो गई। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा आपका, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा आपका, और दूसरा ये 10-12 की मार्कशीट लगेगी, इनकम सर्टिफिकेट आपका लगेगा, और बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगेगा जो कि आप अपने हॉल से निकलवाओगे, अपने प्रोवोस्ट ऑफिस से, जो अगर आप हॉस्टलर्स हो तो, और अगर NRSC हो तो NRSC हॉल से आप अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट निकलवाओगे वो लगेगा, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे इस पर, और सब ऑनलाइन ही अपलोड करना है वहाँ वेबसाइट पर। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाओ, वहाँ पर लिंक पर क्लिक करो और वेबसाइट पर जाके नीचे जाके स्क्रॉल करके अप्लाई नाउ करके एक बटन आ रहा होगा, वो अप्लाई नाउ पे क्लिक करो, फिर वहाँ पे पूरा फॉर्म आ जाएगा आपका, उसे फिल करो, सबमिट करो। ये दोनों ही स्कॉलरशिप में ये BSc सेकेंड ईयर वाले या फिर BA BCom सेकेंड ईयर वाले जो भी हैं पूरे ग्रेजुएशन में वो अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर मास्टर्स वाले फर्स्ट ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते, या तो फाइनल ईयर वाले हैं फिर, या फिर ये जो अभी जो मैंने बताया रिलायंस फाउंडेशन वाला, इसमें सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले ये एलिजिबल हैं। तो ठीक है, जो फर्स्ट ईयर वाले हो वो जाके अप्लाई करो इसमें, और बाकी आपका जो मतलब फाइनल ईयर वाले हैं उनका वो है MU OBA रियाद स्कॉलरशिप। तो ये दो स्कॉलरशिप कवर हो गई, और कोई अगर अभी नेक्स्ट स्कॉलरशिप आती है तो फिर मैं बताता हूँ। बस यही था इस पूरी वीडियो में, दोनों स्कॉलरशिप के बारे में पूरी डिटेल बता दी है मैंने। वैसे आज सेशनल था मेरा आज सुबह 8 बजे, वो दे के अभी आ रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर ख़त्म कर रहे हैं इस वीडियो को, और अगर कोई क्वेश्चन वेश्चन होगा तो वो पूछ सकते हो, ठीक है। बाय, खुदा हाफिज़।